हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट 12th क्लास फिजिक्स सेकंड चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कैपेसिटेंस ऑफ मल्टीपल प्लेट कैपेसिटर। तो कैसे इसकी प्रॉब्लम्स बनती हैं वो आप इस वीडियो में देखेंगे और आपको इजिली कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। आज के बाद जब भी आप ऐसी प्रॉब्लम देखोगे, आप यकीन मानिए 40 सेकंड में आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ओके स्टूडेंट, करते हैं वीडियो की शुरुआत और समझते हैं प्रॉब्लम्स को, कैसे आपको कैपेसिटेंस फाइंड करना है इन मल्टीपल कैपेसिटर। ओके स्टूडेंट, नाउ वी टेक फर्स्ट प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ओके स्टूडेंट्स, आपको क्या मिलने वाला है, जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करोगे बिटवीन ए एंड बी, उसके लिए आपको एरिया ऑफ ईच प्लेट ए गिवन होगा और डिस्टेंस बिटवीन सक्सेसिव प्लेट डी मालूम होगा। जब ये दो चीजें मालूम होगी तो आपको ये मालूम हो जाएगा कि कैपेसिटेंस आप पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। ये आपको मालूम हो गया कि जो सी की वैल्यू होगी कुछ ऐसी होगी। अब प्रॉब्लम देखिए, आपके पास ये प्लेट्स हैं और इन प्लेट्स को मैंने ऐसे कनेक्ट कर दिया, यहां टर्मिनल ले लिया और यहां पे टर्मिनल ले लिया। इसको मैंने कनेक्ट किया फर्स्ट थर्ड से और इसको कनेक्ट कर दिया मैंने सेकेंड और फोर्थ से। क्लियर, ये टर्मिनल बी हो गया और ये टर्मिनल ए हो गया। अब क्या करना है आपको, आप देखोगे यहां आपको ये डिस्टेंसेस मालूम है, ये डिस्टेंसेस आपको दे दी गई हैं, ये डिस्टेंस डी है, यहां पर भी डी, यहां पर भी डी। हमने क्या बोला कि ये सी वन है, ये सी टू है और ये सी थ्री है। मालूम है कि ये सब सी सी ही है। ओके, अब जरा देखिए इसकी नंबरिंग कर दी मैंने 1 2 3 4। क्लियर, अब मुझे देखना है कि ये C1 C2 सीरीज में है कि पैरेलल में है। तो कैसे इसको किया जाए वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होने जा रही है। जरा देखिए इसको, आप 1 2 3 4 मैंने नंबरिंग की, तो जो A है वो कनेक्ट है 1 और 3 से। तो मैंने क्या बोला कि 1 और 3 को आप यहां लिख लीजिए, 1 और 3 को। फिर मैंने 2 और 4 को एक साइड में लिख दिया, 2 और 4 को 2 लिख दिया और 4 लिख दिया, यहां पर लिख दिया मैंने, सॉरी मैं इसको लिखता हूं नी, मैं इसे साइड में लिखता हूं 2, 4 लिखा मैंने और यहां पे साइड में लिखता हूं मैं 1, 3। आपको समझ में आ गया कि ये टर्मिनल है ए, ओके, और ये टर्मिनल है बी। ये समझ में आ गया, तो ये टर्मिनल आपको मिल गए। अब क्या करना है जरा देखिए, C1 जो होगा 1 और 2 के बीच में, कहां पे है, 1 और 2 के बीच में, 1 और 2, 1 ये है 2 ये है, तो 1 और 2 के बीच में आपको क्या करना है, C1 लगाना है। आप C1 लगा दीजिए, ये आपने C1 ऐड कर दिया। फिर जरा देखिए 2 और 3 के बीच में लगाना है आपको C2, 2 और 3 के बीच में लगाना है C2, 2 और 3 के बीच में आपने लगा दिया C2। अब क्या करना है, 3 और 4 के बीच में लगाना है C3, 3 और 4 के बीच में लगाना है C3। इस तरह से आपने क्या किया, तीनों कैपेसिटर को ऐड कर दिया और यहां से आप एक ए और बी के बीच एक वोल्टेज, एक सेल लगा सकते थे, यहां से हो गया प्लस माइनस वी वोल्ट। इस तरह से आप देख रहे हो कि आपका जो सी इक्विवेलेंट होगा वो यहां से C1 प्लस C2 प्लस C3 आएगा और तीनों वैल्यू सी के बराबर है, सी सी सी, क्योंकि आप देख पा रहे हो C1 की वैल्यू भी यही है। यहां ले सकते हो C1 इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, C2 इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, C3 इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। ये वैल्यू आपको दे दी गई, यहां पुट करोगे तो तीनों सी आ गई, 3C आया, इसको लिख सकते थे आप 3 एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। आई होप स्टूडेंट इजी वे में आपको ये समझ में आ गया होगा, आप इसको नोट कर लीजिए। अब मैं नेक्स्ट प्रॉब्लम लेता हूं, बहुत इजी होती है ये प्रॉब्लम जब आप नंबरिंग कर लेते हो। ओके स्टूडेंट, नाउ वी टेक क्वेश्चन नंबर सेकंड। सेकंड क्वेश्चन देखिए, आपके पास अगेन 4 प्लेट्स हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब यहां क्या करना है, पहले मैंने क्या किया था, 1 और 3 को कनेक्ट किया था, अब मैं कनेक्ट कर देता हूं 1 और 4 को। मैंने यहां से ये टर्मिनल ए ले लिया और इसको मैंने कनेक्ट कर दिया इससे, और मैं इसको कनेक्ट करता हूं आपके बाद इससे और इससे, ये मैंने बी दे दिया, इसको दे दिया ए। फिर अगेन आपके पास ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। ओके, ये प्लेट्स हो गई, आपको डिस्टेंसेज मालूम है ऑलरेडी, कितनी डिस्टेंस दी गई है, ये आपके पास डी डिस्टेंस है,
ये भी डी डिस्टेंस है और ये भी आपके पास डी ही डिस्टेंस है। मैंने बोला ये सी वन है और ये सी टू है और ये सी थ्री है। ये आपको मालूम है कि सी वन इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, सी टू इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, सी थ्री इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। ओके, अब जरा देखिए इनका कैसे बनाओगे आप सिंपल सर्किट जिससे आप समझ पाओ कि सी वन सी टू कैसे कनेक्ट है। तो आप क्या कर रहे हो यहाँ पे, आप लिख पा रहे हो कि वन और फोर एक साथ है। तो मैंने क्या लिखा, यहाँ लिखा पॉइंट ए, यहाँ लिखा मैंने पॉइंट बी, यहाँ लिखा मैंने वन कामा फोर। ओके, वन कामा फोर, वन और फोर, फिर टू और थ्री, यहाँ पे टू और थ्री, मैंने यहाँ पे एक टर्मिनल लिखा, एक टर्मिनल यहाँ बनाया। अब जरा देखिए वन टू पे के बीच में सी वन है, वन और टू के बीच में, वन यहाँ है टू यहाँ है, इसके बीच में लगा क्या है, इसके बीच में लगा है यहाँ पर, यहाँ पे लगा है सी वन, तो मैंने सी वन लगा दिया, करेक्ट। अब जरा देखिए फिर टू और थ्री के बीच में सी टू है, टू और थ्री के बीच में, टू और थ्री के बीच में होगा तो टू और थ्री के बीच वाला नहीं होगा, क्यों, एक ही टर्मिनल, एक ही पॉइंट से दो कैप, एक ही पॉइंट से मतलब दोनों एक कोई भी कैपेसिटर एक ही पॉइंट से कनेक्ट नहीं हो सकता, वो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। ओके, अब जरा देखिए थ्री और फोर की बात करिए, थ्री यहाँ है फोर यहाँ पे है, तो यहाँ पे क्या होगा, तो इसको यहाँ कनेक्ट कर दीजिए, थ्री और फोर का ये आ गया आपका, ये आपके पास आ गया सी थ्री। ओके, आप क्या लिखोगे, यहां लिख दोगे सिंस सी टू इज कनेक्टेड, सिंस सी टू इज कनेक्टेड विथ सेम पॉइंट टू कामा थ्री, सो इट विल बी शॉर्ट सर्किटेड। ओके, तो ये हो जाएगा शॉर्ट सर्किट, तो ये शॉर्ट सर्किट हो गया, इसका हमारे पास यूज नहीं। अब सी वन और सी थ्री कैसे हैं, वैल्यू आपको मालूम है, इसका काम खत्म हो गया, शॉर्ट सर्किट हो गया, सी वन और सी टू मालूम है, तो सी इक्विवेलेंट की वैल्यू यहां से मिलेगी सी वन प्लस सी थ्री एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी प्लस एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, यहां से आपको रिजल्ट आ गया टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। आई होप स्टूडेंट ये भी क्वेश्चन आपको बहुत इजी वे में समझ में आ गया। ओके, नाउ स्टूडेंट वी टेक क्वेश्चन नंबर थर्ड। ओके स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की। अब थर्ड देखिए, आपके पास अगेन फोर प्लेट्स, और इन फोर प्लेट्स में स्टूडेंट मैं क्या कर रहा हूं, इस प्लेट्स को मैंने ऐसे कर दिया, इस प्लेट को मैंने इससे ज्वाइन कर दिया, और इस प्लेट को मैंने दे दिया ए टर्मिनल, और इस प्लेट को दे दिया मैंने बी टर्मिनल। अब आपको फाइंड करना है क्योंकि डिस्टेंसेस तो आपके पास डी ही है, सारे इक्वल डिस्टेंसेस हैं, कम ज्यादा हो रही है मेरे से वो आप एडजस्ट कर लोगे। अब जरा देखिए ये है आपके पास सी वन, ये है आपके पास सी टू, ये है आपके पास सी थ्री, फिर नंबरिंग करिए वन टू थ्री फोर, इसी वे में आपको समझ में आ जाएगा सी वन की वैल्यू, सी टू की वैल्यू, सी थ्री की वैल्यू सभी क्या है, सभी सी है, और सी की वैल्यू आपको मालूम है एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी है। अच्छा, अब आप क्या करिए, आपके पास एक पॉइंट है टू, आपने यहां टू लिख दिया, टू को लिखा आपने, ये है टू, टू है ए पे, आप ऐसा ले सकते थे, यहां टू लिखिए, यहां पे ए कर लीजिए, फिर आपके पास क्या आया फोर, ये फोर नंबर पे है, तो फोर नंबर आपने कहीं यहां लिख दिया, ये आपके पास फोर था और यही टर्मिनल बी हो गया, करेक्ट। अब जो बच रहा है, बच कौन कौन रहा आपके पास, बच रहा आपके पास वन और थर्ड, तो आप वन और थर्ड को कहीं बीच में लिख दीजिए, वन और थर्ड को बीच में लिख दीजिए। अब जरा देखिए कैसे कनेक्ट हो रहे हैं, वन और टू के बीच में लगा है सी वन, तो वन और टू के बीच में लगा दीजिए क्या सी वन, आपने सी वन लगा दीजिए, फिर आपको क्या करना है टू और थ्री के बीच में, टू और थ्री के बीच में लगाना है आपको सी टू, टू और थ्री के बीच में, तो टू और थ्री के बीच में लगा दीजिए सी टू, ये हो गया सी टू। अब क्या करना है थ्री और फोर के बीच में लगाना है, थ्री और फोर के बीच में लगाना है तो ये लगा दीजिए, ये हो गया सी थ्री। अब जरा रिजल्ट निकालिए, जिनको निकालना होता है पहले आप उनको साइड में लिख देते हो, तो टू और फोर के बीच में निकालना था, टू ये है, टू मतलब ए और फोर का मतलब बी, ए और बी में निकालना था, तो ये दोनों हो गए कैसे, इन दोनों का आप सॉल्व करोगे तो सी वन सी टू हो गए पैरेलल,
तो पैरेलल में दोनों ऐड हो जाएंगे, तो क्या आएगा जाके यहां से, फिर अगेन ये टू रहेगा, ये टू टर्मिनल, और यहां पर फोर टर्मिनल रहेगा, ये रहेगा बी, ये रहेगा ए, तो यहां से आया क्या सी डैश, पहले सी डैश आएगा उसके बाद फिर आएगा सी थ्री, तो ये ऐसा हो गया। और जो यहां पे सी डैश की वैल्यू होगी वो क्या होने वाली है, सी डैश की वैल्यू होगी सी वन प्लस सी टू, ये दोनों होंगे सी प्लस सी इक्वल टू टू सी टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, यहां से ये वैल्यू आ जाएगी। अब जरा देखिए ये दोनों हो गए सीरीज, अब सीरीज में क्या होंगी, वन अपॉन सी इक्विवेलेंट, तो यहां से क्या आएगा वन अपॉन सी डैश प्लस वन अपॉन सी थ्री, यहां से ये आने वाला है। अब देखिए इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू आपको मिल चुकी है, इसकी वैल्यू भी वन अपॉन सी है प्लस इसकी भी वैल्यू वन अपॉन सी है, तो ये हो चुका है कितना, ये हो चुका है टू बाई सी, तो यहां से आप लिख सकते थे, यहां से देखोगे आप लिखोगे सी की वैलेंट इज इक्वल टू सी बाई टू, सी बाई टू, और सी की वैल्यू कितनी दी गई, सी की वैल्यू आपको कितनी दी जा रही है, देखिए सी की वैल्यू ये है, सी की वैल्यू पुट करोगे तो ये आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए बाई टू डी, क्या आएगा एप्सिलॉन नॉट बाई टू डी, क्योंकि यहाँ एप्सिलॉन नॉट बाई एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी होगा अपॉन टू होगा, तो ये आपको इसलिए यहां से आंसर मिल जाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आप ये आंसर फाइंड कर पा रहे हो, चाहे यहां से देखिए आप सी की वैल्यू पुट कर दें, सॉरी यहां से एक बार चेक करिए, ये सी डैश है ऐसा नहीं आएगा, यहां से आपको सॉल्व करना पड़ेगा, तो सी डैश की वैल्यू आप निकाल पा रहे हो, ये आएगा वन अपॉन, ये नहीं आंसर आएगा, चेक करिए अगेन, तो यहां से सी डैश की वैल्यू है टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी प्लस ये आएगा वन अपॉन सी थ्री की वैल्यू कितनी है एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, करेक्ट। अच्छा अब चला गया टी ऊपर चला गया, क्या चला गया डी ऊपर चला गया, डी अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट ए प्लस डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए, यहां से डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए कॉमन, यहां से आया वन अपॉन टू प्लस वन अपॉन वन, ये आएगा कितना वन, यहां से सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए इंटू ये हो जाएगा थ्री बाई टू, तो आपको आंसर मिलेगा थ्री बाई टू डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए, इस तरह से ये आंसर आपको मिल जाता है। आई होप स्टूडेंट आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। नाउ स्टूडेंट वी टेक नेक्स्ट प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर फोर, थोड़ा सा वेरिएशन करेंगे, अभी आपने क्या देखा था वन और थ्री को मैंने कनेक्ट किया था, अब मैं सर्किट में कुछ ऐसा कर देता हूं, इस सर्किट को मैं क्या करता हूं, इस सर्किट को मैं कनेक्ट करता हूं इससे, ठीक, अभी मैंने इसको कनेक्ट किया था इससे, अब इसको कर देता हूं, ये हो गया आपके पास ए और ये हो गया आपके पास बी, अब आप इसको सॉल्व करेंगे, तो आप देख पा रहे हो ये आपके पास वन प्लेट, ये टू प्लेट, ये थ्री प्लेट और ये फोर प्लेट, डिस्टेंस आपके पास अगेन सेम है, यहां पर भी डी, यहां पर भी डी और ये भी डी ही है, ठीक है। अब आप देख पा रहे हो ये आपके पास सी वन, ये सी टू और ये सी थ्री, फिर क्या करते हो आपके पास अगेन वही है सी वन सी टू सी थ्री इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी है, गिवन है। अब आप क्या करिए सर्किट बनाएंगे, आप देख पा रहे हो ए टर्मिनल किस पे है टू पे, तो आपने यहां टू लिखा और टू के नीचे ए लिख दिया, फिर आप क्या देख पा रहे हो यहां से, फिर आप देख पा रहे हो बी, बी किस पे है थ्री पे, आपने यहां लिखा थ्री, थ्री के नीचे आपने लिखा बी, ए और बी पे आपको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगा रिजल्ट, आप देख पा रहे हो यहां से स्टूडेंट आपको मिलने वाला है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो अब आप क्या करिए C1 को देखिए किसके बीच में कनेक्ट है, C1 है वन और टू के बीच में, तो आपको वन और फोर नहीं मालूम, तो यहां पे कहीं लिख लीजिए वन कामा फोर, जब वन कामा फोर आप लिखते हो तो आपको क्या मिलेगा वन कामा फोर, तो वन और टू के बीच में आपने लगाया, वन और टू के बीच में लगाया एक कैपेसिटर, ये हो गया C1, करेक्ट। फिर आप लगाते हो टू और थ्री के बीच में, ये आपके पास टू है और ये थ्री, तो टू और थ्री के बीच में लगाओगे तो ऐसा मिलेगा, करेक्ट, ये हो गया C2, और आप लगा रहे हो थ्री और फोर को, थ्री और फोर यहां पे लगा हुआ है,
थ्री और फोर जब यहाँ लगाओगे तो ये मिल गया आपको सी थ्री। इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि आपको इजी वे में आप कैपेसिटर को कनेक्ट कर पा रहे हो। फिर आप क्या करिए, इसी के बीच में यहाँ एक लगा दीजिए, एक बैटरी, सिंपल सा यहाँ अपने आप एक बैटरी लगा दी। अब देख पा रहे थे ये पॉइंट थ्री था तो थ्री लिख लीजिए, यहाँ टू था इसको टू ऊपर कर लीजिए। तो इस तरह से इजी वे में आप सर्किट को बना पा रहे हो। अब आप देख रहे हो ये दोनों कैसे हैं, सीरीज हैं। तो C1 C2 ये C1 और ये हो गया सीरीज में। अगर ये सीरीज में हो गए इनकी वैल्यू C है, इसकी वैल्यू C है, तो क्या लिखोगे आप यहाँ पे, लिखोगे C1 एंड C3 आर इन सीरीज। अगर ये सीरीज में है तो मैंने क्या बोला, इनका कैपेसिटेंस क्या आएगा, ये होता है मावट से। मावट कहता है मल्टीप्लाई अपॉन एड। पहले मल्टीप्लाई करिए तो C इंटू C, नीचे ऐड करिए C प्लस C, तो क्या आएगा C स्क्वायर अपॉन टू C, तो यहां से आ जाएगा C बाई टू, ये आ गया। अब क्या होगा, जो इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आया C डैश, मतलब क्या आया C डैश, इन दोनों की वजह से यहां से आया C डैश, C डैश और ये दोनों हो जाएंगे पैरेलल। तो आप क्या लिखोगे, यहां लिखोगे C डैश एंड C टू आर इन पैरेलल। ये अगर पैरेलल हो गए तो आप लिख सकते थे यहां से C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C डैश प्लस C2, और यहां से क्या आता, ये आया है C बाई टू। ठीक है, मैं इसको यहां ले देता हूं, यहां आपने केवल फॉर्मूला लिखा C डैश प्लस C2। यहां पे क्या हो जाएगा, आप देखोगे C इक्विवेलेंट की वैल्यू आ जाएगी, C डैश की वैल्यू आपको मिली कितनी, C डैश की वैल्यू आई C बाई टू, C बाई टू प्लस इसकी वैल्यू होती है C, आप देख पा रहे हो यहां से। तो ये हो गया थ्री बाई टू सी, और इसको और इजी लिखोगे थ्री बाई टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। आई होप स्टूडेंट ये भी क्वेश्चन आपको क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा, नोट कर लीजिए आप इसको। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आपने फोर प्रॉब्लम्स इजी वे में अंडरस्टैंड कर ली। अब मैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात करता हूँ, थोड़ा सा वेरिएशन करूंगा। आप देखिए ये आपके पास कुछ ऐसा वेरिएशन आ गया, मतलब आपके पास ये प्लेट थी, मतलब यहां तक मैंने कर दिया ये, और इन दोनों को मैं एक जैसे कनेक्ट कर लेता हूं। क्या करता हूं, जैसे ये जो प्लेट थी मैं यहां पे करता हूं, और इसको भी थोड़ा सा यहां दिखाता हूं। ये आपके पास प्लेट्स हैं, और इन प्लेट्स को मैंने क्या बोला, ये बोल दिया ए और इसको बोल दिया बी। अब आपको सॉल्व करना है, आप देख पा रहे हो इनकी जो डिस्टेंसेस हैं वो सेम है, डी डी डी, मैंने कहा सी वन सी टू और ये सी थ्री। तो नंबरिंग कर दीजिए आप, वन टू थ्री फोर, अगेन फिर लेट कर लीजिए, जिनको जिनके बीच में निकालना है पहले उनको आप साइड में लिखिए। ए पे निकालना है, बी पे निकालना है, ए पॉइंट किस पे है, ए पॉइंट टू पे है, टू लिख दीजिए, बी पॉइंट किस पे है, बी पॉइंट थ्री पे है, आप थ्री लिख लीजिए। ठीक है, तो टू और थ्री पे निकालना है। अब जरा देखिए वन और टू, देखिए वन और फोर नहीं मिल रहा, तो वन और फोर को कहीं बीच में लिख दीजिए, वन और फोर को कहीं बीच में लिख दीजिए। ठीक है, अब क्या होगा, वन और टू के बीच में कौन कनेक्ट है, वन और टू के बीच में जरा देखिए, वन और टू के बीच में आपने कनेक्ट कर दिया ये हो गया सी वन। फिर टू और थ्री के बीच में जरा देखिए, टू और थ्री के बीच में, अब आप बहुत इजी वे में शायद समझ पा रहे होंगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। ठीक है, अब जरा देखिए थ्री और फोर कहां पे, थ्री यहां पे, फोर यहां पे, बस हो गया आपका काम। ठीक है, अब यहां पे क्या है, सी वन इक्वल टू सी टू, सी थ्री इक्वल टू सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। ठीक है, ये दोनों कैसे हैं, ये दोनों लगे हैं सीरीज में, किसमें लगे हैं सीरीज में, तो सीरीज में इनका इक्विवेलेंट कितना आएगा, तो लिखोगे सी वन एंड सी टू, सी वन एंड सी थ्री आर इन सीरीज। अगर सीरीज में है तो सी डैश की वैल्यू क्या होती है, मा वर्ड से आता है, किससे आता है, मा से, मा का मतलब मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी ऑलरेडी सी है और ये भी सी ही है, तो दोनों करोगे सी इंटू सी, नीचे सी प्लस सी, तो सी स्क्वायर बाई टू सी, सी बाई टू आ गया। फिर क्या करोगे, सी डैश एंड सी टू, सी डैश एंड सी टू आर इन पैरेलल, ये पैरेलल है,
पैरेलल में आप डीपी यूज करते हो, क्या यूज करते हो? डीपी। डीपी मतलब डायरेक्ट प्लस। डायरेक्ट प्लस का मतलब सी इक्विवेलेंट की वैल्यू लिखोगे तो यहाँ से आएगा सी डैश प्लस सी टू। अब जरा देखिए इसका रिजल्ट क्या आएगा, यहाँ से सी इक्विवेलेंट की वैल्यू यहाँ से मिलेगी सी डैश प्लस सी टू, तो ये आया आपके पास सी बाई टू प्लस सी टू की वैल्यू सी, तो यहाँ से हो गया थ्री बाई टू सी। वैल्यू पुट करिए तो यहाँ से मिलेगा आपको थ्री बाई टू और सी की वैल्यू है एफ सरेंड नॉट ए बाई डी, ये आप लिखे वाले ने। तो इस तरह से आपने देखा कि ये प्रॉब्लम भी आपको इजी वे में समझ में आ गई। इसको भी स्टूडेंट नोट कर लीजिए। तो आप देख पा रहे हो स्टूडेंट कि आपको ये सारी प्रॉब्लम बहुत आसान हो जाती है, कब? जब आप नंबरिंग कर लेते हो प्लेट्स की, जिन दो प्लेट्स के बीच में आपको इक्विवेलेंट फाइंड करना है आप उनको लेट कर लीजिए साइड में, और जो पॉइंट नहीं मालूम है उनको बीच में कर लीजिए। जब आप ऐसा करोगे तो आपको बहुत इजी वे में कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा और ऐसी प्रॉब्लम को आप इजिली डील कर पाओगे। ओके स्टूडेंट्स, लेते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। अब मैं बात करूंगा क्वेश्चन नंबर सिक्स की, तो मैं आपको फिगर बना के दिखाता हूं। स्टूडेंट देखिए, आप जब बात करोगे कि प्लेट्स की, मैं कुछ प्लेट बढ़ा देता हूं, अभी तक मैं फोर प्लेट्स की बात कर रहा था, अब मैं सिक्स प्लेट ले लेता हूं। ओके, ये देखिए ये आपके पास सिक्स प्लेट्स है, फाइव प्लेट्स ले लेता हूं, वन टू थ्री फोर और ये हो गया फाइव। एक और ले लेता हूं इधर, वन टू थ्री फोर फाइव। आप देख पा रहे स्टूडेंट, अगर इन प्लेट्स में मैं थोड़ा सा चेंजेस कर दूं, क्या कर दूं? थोड़ा सा चेंजेस कर दूं। अगर चेंजेस करूंगा तो क्या आएगा, अगर मैं इसको कनेक्ट कर दूं वन और थ्री से, और इसको कनेक्ट कर दूं इससे, तो आप देख पा रहे हो ये क्वेश्चन हो गया बी पार्ट और ये क्वेश्चन हो गया ए पार्ट। एक तो तरीका ये हो जाता है, इसी को मैं ऐसे कनेक्ट कर सकता था, जरा देखिए इसको मैं ऐसे कनेक्ट कर देता अगर, ठीक, और यहां पे क्या कर सकता था, और यहां पे मैं कर देता ऐसा, ये इसको मैं ले जाता ऐसे। ओके, तो देख रहे हो दोनों प्रॉब्लम सेम है, दोनों में कोई डिफरेंसेस है। इसको मैंने कनेक्ट किया था ऐसे, तो ये प्लेट है आपके पास वन, आप नंबरिंग कर लीजिए, वन टू ये थ्री ये फोर ये फाइव। और मैं पूछना चाह रहा हूं यहां से कि आप मुझे बताइए टर्मिनल ए एंड बी में, ठीक है, ये आपके पास बी टर्मिनल कहां मिल गया? जैसे मैं कहता टू और फाइव को मैंने क्या ले लिया, इसको मान लेता हूं ये वाला टर्मिनल आपके पास ए है, ये टर्मिनल ए हो गया और ये टर्मिनल बी हो गया। सेम क्वेश्चन है, केवल फोर छोट रहा इधर भी और फोर छोट रहा इधर भी, वन टू थ्री फोर और यहां फाइव, यहां भी फोर छूट रहा है, फाइव कवर हो रहा है, फाइव टू से कवर हो रहा है, यहां भी टू फाइव से कवर हो रहा है, वन और थ्री इससे कवर हो रहा है, वन और थ्री इससे कवर हो रहा है। आप देख पा रहे हो कि ये दोनों प्रॉब्लम एक ही जैसी है, बिल्कुल सेम है। अब ऐसा हो सकता है फिगर, ऐसा फिगर हो सकता है, तो आपको किसी प्रकार से कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल वे में सर्किट देखिए कैसे बनाओगे। आपको क्या देखना है, ये सारी डिस्टेंसेस सेम थी, अगेन सेम, कितनी डी डी, फिर आपने सी वन लिया, सी टू लिया, सी थ्री लिया, सी फोर लिया, ऐसे यहां भी आएगा, ये सेम ये सेम ये सेम, और इनको भी सेम कर दिया डी 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 डी, ये सी वन सी टू सी थ्री और ये सी फोर, करेक्ट। अब जरा देखिए फिगर, हमने क्या लिखा, वन यहां पे लिखा पॉइंट ए, ये पॉइंट ए हो गया, और बी पॉइंट यहां पे हो गया, कहीं मेरा ये पॉइंट हो गया बी। अब देखिए छूट कौन सा रहा है, फोर छूट रहा, तो मैंने फोर को बीच में लिख दिया, ठीक है। अब जरा वन और टू जरा देखिए, ए पे क्या है, ए पे आपके पास वन और थ्री है, तो मैंने वन और थ्री को यहां लिख दिया, फिर बी पे क्या है, टू और फाइव है, तो मैंने टू और फाइव यहां पे लिख दिया, करेक्ट। अब देखिए कि वन और टू कहां है, वन और टू, वन यहां पे है, ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट, वन और टू के बीच में कनेक्ट करना है मुझे सी वन, तो मैंने लगा दिया सी वन, सी वन हो गया। अब जो देखिए टू और थ्री के बीच में, देखिए टू और थ्री के बीच में, टू यहां पे थ्री यहां पे, क्या करिए टू और थ्री लेना है, तो ये वन थ्री इधर कर लीजिए और टू फाइव इधर, टू और फाइव इधर है,
तो टू और थ्री के बीच में मैंने ये लगा दिया, ये टू और थ्री के बीच में हो गया, ये हो गया आपके पास सी टू, करेक्ट। अब देखिए थ्री और फोर कहाँ है, थ्री ये है फोर ये है, तो थ्री और फोर के बीच में मैंने ये लगा दिया, ये सी थ्री हो गया। अब सी फोर चलिए जरा सा, सी फोर फोर और फाइव के बीच में, फोर यहाँ पे फाइव यहाँ पे, आप देख पा रहे हो कितने इजी वे में ये सारे करेक्ट हो गए। अब आपको सॉल्व करना आसान है, ये दोनों कैसे हैं, ये दोनों सीरीज में हैं। आप लिख सकते हो क्या सी थ्री एंड सी फाइव, सी फोर सॉरी सी फोर, ये कौन सा है सी फोर, सी फोर आर इन सीरीज, अगर सीरीज में है तो सी डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये भी सी और ये भी सी, दोनों मल्टीप्लाई करोगे सी इंटू सी अपॉन सी प्लस सी, तो ये आ जाएगा सी बाई टू, ओके। अब देखिएगा सी डैश आ गया, इनका रिजल्टेंट क्या आया सी डैश, अब क्या होगा सी डैश सी टू एंड सी वन आर इन पैरेलल, ये हो गया पैरेलल, पैरेलल का मतलब डायरेक्ट प्लस डीपी। आप क्या करते हो सी इक्विवेलेंट इक्वल टू सी डैश प्लस सी टू प्लस सी वन, आप देखोगे ये भी इसकी वैल्यू आई है सी डैश की वैल्यू आ गई सी बाई टू, सी बाई टू प्लस सी, यहां से आ गया कितना, ये हो गया सी बाई टू प्लस टू सी, ये टू डा फोर फाइव, यहां से आपको आंसर मिल जाएगा कितना फाइव बाई टू सी या फाइव बाई टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, यहां से आपको ये आंसर मिल जाता है स्टूडेंट। तो आप देख पा रहे हो कितना आसान होता है ऐसे क्वेश्चन को करना, आप इसको भी नोट कर लीजिए, आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। ओके स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन मैं और आपसे डिस्कस करता हूं जिसमें प्लेट्स कुछ और मैं इंक्रीज करता हूं, ओके। आई होप ये सारी प्रॉब्लम आप बहुत इजी वे में ग्रैब कर रहे होंगे और आपका कंसेप्ट भी स्ट्रांग हो रहा होगा कि जैसे आप प्लेट्स इंक्रीज करते जा रहे हो वैसे वैसे प्रॉब्लम बहुत क्रिटिकल नहीं हो रही, बहुत इजी होती जा रही है, ओके। मैं अगेन एक बार प्लेट बढ़ाता हूं, ये मैंने प्लेट वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ओके स्टूडेंट्स, तो आप देख पा रहे हो मैंने यहाँ पे सिक्स प्लेट कर दी। अब मैं क्या करता हूं, यहां पर मैं थोड़ा सा वेरिएशन कर रहा हूं, तो वेरिएशन का मतलब क्या हो गया, ये देखिए जरा मैं इसको ऐड करता हूं, इसको मैंने ऐड कर दिया, क्लियर, और मैं इसको ऐड कर देता हूं इसको। अब जरा देखिए मैं आपसे पूछ रहा हूं फाइंड, ये आपके पास ए हो गया और इसको मैं दे देता हूं बी नंबर, चलिए ये आपके पास बी हो गया। मुझे क्या करना है, ए और बी में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस चाहिए, तो क्या होगा, फिर आप देख पा रहे हो कि डिस्टेंसेस तो सेम ही है सबके पास, ये डी डी है सब, यहां भी डी यहां भी डी, तो आपने सी वन सी टू सी थ्री ये पहले काम करना है और ये सी फाइव हो गया, तो ये हो गया। अब नंबरिंग कर लीजिए फिर टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ओके। अब देखिए जिनके बीच में आपको फाइंड करना है पहले उनको साइड में लिखिए, किसके बीच में, एक है ए एक है बी, तो आपने इन दोनों को साइड में लिख दिया। फिर देखिए ये ए पे कौन कौन है, ए का मतलब टू है, ए का मतलब टू हो गया और बी का मतलब फाइव हो गया, इसका मतलब टू और फाइव पे आपको क्या करना है, टू और फाइव के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस चाहिए। अब देखिए छूट क्या रहा आपके पास छूट रहा है, आपके पास छूट रहा है क्या, अब देखिए यहां से वन और फोर एक साथ है, वन और फोर एक साथ है, तो मैं वन और फोर कहीं लिख लेता हूं, वन और फोर यहां कहीं हो गए वन और फोर, ठीक है। दूसरा कौन हो रहा है वन और फोर के बाद, थ्री और सिक्स, मैंने कहीं थ्री और सिक्स भी लिख लिए, ओके, थ्री और सिक्स भी मैंने नोट कर लिया। अब जरा देखिए इसी क्वेश्चन में आप वन सी वन को ऐड करिए इसी में, ये आपके पास पॉइंट्स बन गए, ओके। आप देखिए सी वन कहां है, वन और टू के बीच में, वन और टू, वन ये है टू ये है, तो इसके बीच में आपने क्या किया सी वन को ऐड कर दिया, ये आपके पास सी वन हो गया। देखने जा रहे हो स्टूडेंट एक स्पेशल टाइप का बनने वाला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
अपने आप में यूनिक है। ओके, देखिए इसको कि इससे एक नया कॉन्सेप्ट भी इंट्रोड्यूस होने वाला है। सीवन आ गया वन और टू के बीच में। अब टू और थ्री जरा देखिए, टू और थ्री यहां पे, तो मैंने टू और थ्री को यहां लगाया, मैं यहां लिख देता हूं टू और थ्री, ये आ गया टू और थ्री। टू और थ्री के बीच में क्या लग गया, ये लग गया सी टू। क्लियर। अब थ्री और फोर जरा देखिए, थ्री और फोर ये है, तो थ्री और फोर के बीच में क्या लग गया, ये लग गया सी थ्री। क्लियर। अब जरा फोर और फाइव के बीच में जरा देखिए, फोर और फाइव के बीच में ये फोर है और ये फाइव है, तो फोर और फाइव के बीच में ये लग गया सी फोर। और जरा देखिए फाइव, सी फाइव जो है फाइव और सिक्स के बीच में, तो फाइव और सिक्स के बीच में ये आ गया। अब आप देख पा रहे हो कि ये एक शक्ल ले चुका है व्हीटस्टोन ब्रिज की। अब व्हीटस्टोन जब ब्रिज की प्रॉब्लम आती है तो फिर कंफ्यूजन होता है कि यहां पर हमको ये वाला जो आया है कैपेसिटेंस, इसको लेना है कि नहीं लेना है, ये डिसाइड करना पड़ेगा। क्योंकि ऐसे इजिली हम नहीं समझ पा रहे हैं अभी भी इस सर्किट में इसको ऐसा बनाने के बाद कि क्या हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड कर पाएंगे, ऐसा सोचना पड़ेगा आपको। फिर आपको यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट अच्छे से आना चाहिए कि कैपेसिटेंस कैसे फाइंड करते हो जब बैलेंस और इनबैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज होता है। ओके, तो यहाँ पर फिर एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मेथड भी आता है जब इनबैलेंस होता है। तो हम यहाँ चेक कर रहे हैं, देख पा रहे हैं कि जो सी वन है, सी टू है, सी वन, सी टू, सी थ्री, सी फोर, सी फाइव, सबकी वैल्यू सी है और सबकी वैल्यू एप्सिलॉन नॉट ए बाई बी है, ये बात समझ पा रहे हैं। तो जरा देखिए, पहले इसको रीड्रॉ करिए इन द फॉर्म ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज जैसे उसका फिगर बनता है। अब जरा देखिए, ये ए था, ठीक है, ए था, ये बी था, हमने इसको नाम दे दिया सी, इसको सी दे दिया और इसको डी दे दिया, करेक्ट। अब जरा देखिए इसका, तो इसका जो सर्किट बनाते हो आप ऐसा बनाते हो एक पतंग जैसा। तो ये हो गया आपके पास टर्मिनल ए, ये टर्मिनल हो गया बी। अब जरा देखिए, यहां यहां लगे हैं कुछ और यहां पर भी लगा है, देखिए ये हो गया आपके पास सी, ये हो गया आपके पास डी। ए और सी के बीच में देखिए, ए और सी के बीच में सी वन, सी वन, फिर ए और डी के बीच में कौन सा है, ए और डी के बीच में सी टू, फिर सी और डी के बीच में सी थ्री, सी और डी के बीच में सी थ्री, फिर डी और बी के बीच में, डी और बी के बीच में, डी और बी के बीच में सी फाइव, फिर सी और बी के बीच में, सी और बी के बीच में सी फोर, यहां ये आ गया। अगर यहां से इनका इनका रेशियो क्या हो जाए, इफ सी टू अपॉन सी वन अपॉन सी टू इज इक्वल टू सी फोर अपॉन सी फाइव, इफ देन सर्किट विल बैलेंस्ड, विल बी बैलेंस्ड। और आप देख पा रहे हो C1 वन अपॉन सी टू इज इक्वल टू सी अपॉन सी इज इक्वल टू वन, सी फोर अपॉन सी फाइव इज इक्वल टू सी अपॉन सी इज इक्वल टू वन। ओके, नीचे लिखोगे हेंस गिवन सर्किट इज बैलेंस्ड, ओके, देन सी थ्री कैन बी नेग्लेक्टेड। ऐसी कंडीशन पे हम सी थ्री को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, और नेग्लेक्ट करेंगे तो ये दोनों हो जाएंगे सीरीज, ये दोनों हो जाएंगे सीरीज, ओके, ये होंगे सीरीज और ये होंगे सीरीज, ठीक है। यहां से सी डैश निकालोगे आप, यहां से सी डबल डैश निकालोगे तो क्या आएगा, ये दोनों भी सी के इक्वल हैं, ये भी सी, ये भी सी, ये भी सी, तो यहां से सी बाई टू आएगा, यहां से सी बाई टू आएगा, ऐड करोगे आंसर क्या आएगा, सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू सी डैश प्लस सी डबल डैश सी बाई टू प्लस सी बाई टू इज इक्वल टू सी एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। आपको इस तरह से स्टूडेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करनी है। यहां पर आप एमए यूज करोगे, क्या यूज करना है, मावर्ड मल्टीप्लाई डिवाइड मल्टीप्लाइड एंड
एड, मतलब मल्टीप्लाई कर लीजिए अपॉन एड कर लीजिए, तो आपको सी 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 इंटू सी अपॉन सी प्लस सी, सी स्क्वायर अपॉन टू सी, कैंसिल करोगे सी बाई टू आ जाएगा। इस तरह से ये दोनों पैरेलल में हो जाएंगे और आंसर आपका यहां से आ जाएगा। आप इसको देख लीजिए, नोट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, आई होप अब आपको ये प्रॉब्लम भी बहुत इजी वे में आपको समझ में आ गई होगी। इस तरह की जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, जहां पर कॉन्सेप्ट यूज होता है व्हीटस्टोन ब्रिज का, वहां आपको ये कॉन्सेप्ट फुलफिल करना होता है कि इनका इनका रेशियो सी वन अपॉन सी टू इक्वल टू सी फोर अपॉन सी फाइव अगर इक्वल है, तब हम डायगोनल में जो लगा होता है कैपेसिटेंस को लीव करते हैं। क्यों? तब हम समझते हैं कि ये दोनों सेम पोटेंशियल पे हो गए होंगे। अगर सेम पोटेंशियल पे हो गए होंगे तभी जो भी चार्ज इधर जाएगा वो इधर आ जाएगा, और जो इधर जाएगा वो इधर आ जाएगा, इधर कुछ नहीं जाने वाला है। इस तरह से हम इस कॉन्सेप्ट को यूज करके यहाँ पर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करते हैं। आई होप स्टूडेंट्स आपको इस वीडियो में आपकी बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई होंगी, और ये वीडियो बेसिकली नीट और जेई के लिए बेस्ड होता है, जहां पे प्रॉब्लम्स वन मार्क्स में ऑब्जेक्टिव आती हैं और आप उनको देख करके 40 सेकंड में अपना आंसर रिप्लाई कर सकते हो। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।